बर्तनों के बच्चे। विजयनगर में नकुल नामक एक बहुत धनवान आदमी रहता था। लोगों को वो पैसे और अनाज उधार देता था, परंतु वो बहुत ही लालची था और गरीबों को लूटता था। एक दिन एक आदमी नकुल से उधार लिए बर्तन लौटाने आया। अरे ये क्या, ये बर्तन तो फूटे हुए हैं, मुझे हर बर्तन के 5 रुपए दे दो। नकुल, अरे ये तो जरा सा खराब हुआ है, इतनी सी बात के लिए इतने पैसे? ये पैसे बर्तन ठीक करने के लिए हैं। पर तुम तो नए बर्तन की कीमत से भी ज्यादा पैसे मांग रहे हो। नकुल ने जिन लोगों को लूटा था उन्होंने विचार किया कि रामन ही नकुल को सबक सिखा सकता है, इसलिए सारे मिलकर रामन के घर गए। रामन, कृपा करके हमें इस नकुल से बचाओ। अरे पर हुआ क्या, तुम्हारी समस्या क्या है? वो लुच्चा नकुल हम सभी को लूट रहा है, जो पैसे वो उधार देता है उस पर कई गुना ब्याज लेता है। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता छोड़ो, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। नकुल को सबक सिखाने के लिए रामन ने एक योजना बनाई। रामन नकुल के घर गया। प्रणाम, मेरे घर में पूजा है, क्या मुझे 2 बर्तन उधार मिलेंगे? ये लो 2 बर्तन, पर इन्हें 2 दिन में लौटाना होगा और 10 रुपए किराया देना होगा। 2 दिन बाद रामन बर्तन लौटाने नकुल के घर गया। 2 बड़े बर्तनों के साथ उसने नकुल को 2 छोटे बर्तन भी दिए। ये लो, ये है तुम्हारे बर्तन और ये रहे पैसे। अरे ये क्या, ये मुझे क्यों दे रहे हो, ये छोटे बर्तन मेरे नहीं है। अरे तुम्हें खबर ही नहीं, जो 2 बर्तन तुमने मुझे दिए थे वो माँ बनने वाले थे, मेरे घर में ही उन्होंने इन 2 छोटे बर्तनों को जन्म दिया, इसलिए ये भी तो तुम्हारे ही हुए ना, ले लो। रामन की बात सुनकर तो नकुल के मन में मानो लड्डू फूट रहे थे। उसने बड़े प्यार से बर्तन स्वीकार किए, ये सोचकर कि रामन तो मूर्ख है। कुछ दिनों बाद रामन फिर नकुल के पास आया और घर में शादी का कारण बताकर 20 बर्तन उधार ले गया। कई दिन बीत गए पर रामन बर्तन लौटाने गया ही नहीं, इसलिए आखिर नकुल खुद ही रामन के घर गया। रामन, तुमने तो उधार के बर्तन लौटाए ही नहीं। अरे हाँ, इस बार भी तुम्हारे सारे बर्तन माँ बनने वाले थे। तो चलो मेरे बर्तनों के साथ सारे छोटे बर्तन भी मुझे दे दो। ओ क्या बताऊँ नकुल, बड़े दुख की बात है, पैदा करते समय सारे बर्तन और उनके बच्चे छोटे बर्तन मर गए। अब नकुल को अकल आई और उसने अपना बर्तन सुधारने का निश्चय किया।